हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो अभी तक हम पढ़ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 6। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7, 8 and 9 और उसके बाद हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन इज, व्हाई इज द आइस एट 273 केल्विन मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। सेम टेम्परेचर पर आइस और वाटर की कूलिंग में फ़र्क क्यों होता है? जो आइस होती है वह ज़्यादा इफेक्टिव होती है, उसकी कूलिंग ज़्यादा होती है कंपेयर टू वाटर, ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, मान लीजिए कि आपने एक ग्लास में नॉर्मल वाटर लिया है और एक तरफ आपने लिया है आइस, ठीक है। एक तरफ नॉर्मल वाटर है, दैट इज नॉर्मल वाटर। एक ग्लास में आपने क्या किया, नॉर्मल वाटर लिया और एक तरफ आपने ले लिया आइस। तो आप क्या देखोगे कि जो आइस होती है सेम टेम्परेचर पर, जिस रूम में आप बैठे हो उसका टेम्परेचर तो सेम है, उसका टेम्परेचर ऐसा तो है नहीं कि आइस के लिए कुछ अलग हो जाएगा और वाटर के लिए कुछ अलग हो जाएगा। तो टेम्परेचर हमने सेम रखा है, लेकिन हमने एक साइड में लिया आइस और दूसरी साइड में एक ग्लास में ले लिया हमने वाटर। तो आप क्या देखते हो कि जो आइस होती है वह ज़्यादा ठंडी होती है कंपेयर टू वाटर। वाटर इतना ठंडा नहीं होता जितना कि आइस ठंडी होती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो मैंने आपको बताया था लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का कंसेप्ट, ठीक है। जब हम मेल्टिंग पढ़े थे, मेल्टिंग या फिर फ्यूजन, तो उसमें मैंने एक चीज़ बताई थी आपको, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। उसमें क्या होता है कि जब हम आइस को टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, तो उसमें जो आइस है वह है लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन कब स्टार्ट होती है? जब उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है तो वह लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट होती है। और कब तक लिक्विड में कन्वर्ट होती है? जब तक कि वह पूरी तरह से लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जाती, उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। तो फिर वो हीट कहाँ चली गई? तो बच्चे, उस हीट को, उस आइस ने अपने आप को लिक्विड में कन्वर्ट करने के काम में ले लिया। देखिए, अब रूम टेम्परेचर पर जब हमने आइस रखा तो जो फ्रिज का टेम्परेचर था वह बहुत कम था, लेकिन जो रूम का टेम्परेचर है वह तो ज़्यादा है, ठीक है। तो जब हम बाहर निकालेंगे तो यह रूम के टेम्परेचर पर हीट लेना स्टार्ट कर देती है। तो हीट लेना स्टार्ट करेगी तो यह हीट लेती जाएगी और 0 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर होते ही यह पिघलना स्टार्ट कर देती है और पूरी तरह से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है 0 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। इसका टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ है। अब उसके बाद में इसका टेम्परेचर चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन जब तक ये लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगी तब तक इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। और जो नॉर्मल वाटर लिया है उसका टेम्परेचर पहले से ही ज़्यादा है। तो ये जो टेम्परेचर था, यहाँ से यहाँ तक का जो टेम्परेचर था, जो हीट थी, वह कहाँ चली गई? उस हीट को इस आइस ने अपने आप को लिक्विड में कन्वर्ट करने के काम में ले लिया, जिसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। तो इसमें किसका कंसेप्ट लग रहा है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का। और इसीलिए जो आइस होती है वह वाटर के कंपैरिजन में ज़्यादा ठंडी होती है। जो आइस से बना हुआ लिक्विड या फिर वाटर है वह ज़्यादा ठंडा रहता है कंपेयर टू नॉर्मल वाटर, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, आइस एट 273 केल्विन यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस इज मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर बिकॉज ऑफ प्रॉपर्टी कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की प्रॉपर्टी की वजह से जो आइस से लिक्विड में वाटर कन्वर्ट हुआ है वह ज़्यादा ठंडा रहता है बजाय नॉर्मल वाटर के, ठीक है, समझ में आया। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दैट इज, क्वेश्चन इज, व्हाट प्रोड्यूसेस मोर सीवियर बर्न्स, बॉइलिंग वाटर और स्टीम। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि किस से सीवियर बर्न्स होगा, ज़्यादा सीवियर बर्न्स किससे होगा, बॉइलिंग वाटर से होगा या फिर स्टीम से होगा। तो आपको ये प्रैक्टिकल करके नहीं देखना है वरना आपका हाथ जल जाएगा, ठीक है, आपको सिर्फ समझना है। तो देखिए, बॉइलिंग वाटर और स्टीम में क्या फ़र्क है, बॉइलिंग वाटर और स्टीम में क्या फ़र्क है? तो जब हम वाटर को बॉयल करते हैं,
ठीक है, जब हमने वाटर को बॉयल किया तो उसका टेम्परेचर जब 100 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है उसके बाद वह स्टीम में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जब हमने बॉयलिंग पढ़ा था तो मैंने आपको ये चीज़ बताई थी। जब हम वाटर को बॉयल करते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे है ये वाटर और इसको हमने हीट देना स्टार्ट किया, ठीक है, वाटर को हमने हीट देना स्टार्ट किया है तो हम हीट देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं। 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचते ही, जैसे ही यह 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचा, यह है वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देता है। और कब तक करता है? जब तक कि यह पूरी तरह से वेपर में कन्वर्ट नहीं हो जाता है तब तक इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। इसका टेम्परेचर कितना रहता है? 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, यहाँ से हमने टेम्परेचर देना स्टार्ट किया और वाटर गर्म होना स्टार्ट हो गया, गरम हो रहा है, गरम हो रहा है, और यहाँ पे जाके वो बॉयल हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे जाके वो बॉयल होना स्टार्ट कर देता है। बॉयल होने का मतलब है कि अब उसमें वेपर बनना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ तक तो ये हुआ हमारा बॉयलिंग वाटर, ये यहाँ पे आ गया हमारा बॉयलिंग, या फिर कह लीजिए बॉयलिंग पॉइंट, जो कि 100 डिग्री सेल्सियस है। अब हम इस जगह पे अगर उस पानी में हाथ दे देते हैं तो हमको ज़्यादा बर्न्स नहीं होता, लेकिन अगर यहाँ पे वेपर जब बन रही होती है और वेपर में हम हाथ दे देंगे तो हमको सीवियर बर्न्स होगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे जो हम टेम्परेचर दे रहे हैं, यहाँ पे हम जो टेम्परेचर दे रहे हैं वह टेम्परेचर तो वेपर के पास है ही, ऑलरेडी वो टेम्परेचर है, ठीक है, और उसके बाद हम टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है लेकिन हीट तो हम उसको प्रोवाइड करवा रहे हैं, हीट तो प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो ये हीट कहाँ चली गई? ये हीट इस बॉइलिंग वाटर को वेपर में कन्वर्ट करने के काम में आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वेपर के पास में हीट एनर्जी ज़्यादा है, वेपर के पास में क्या है? हीट एनर्जी ज़्यादा है, मोर हीट एनर्जी देन बॉइलिंग वाटर, वेपर हैज मोर हीट एनर्जी देन बॉइलिंग वाटर। क्यों ज़्यादा है, ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पास हीट एनर्जी ज़्यादा क्यों है? जैसा कि मैंने बताया कि जो हम हीट दे रहे हैं उस हीट से टेम्परेचर तो इंक्रीज हो नहीं रहा है, लेकिन ये हीट फिर कहाँ जा रही है? ये हीट हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, तो इसलिए वेपर के पास में हीट एनर्जी ज़्यादा है, इसलिए हमको सीवियर बर्न्स होता है। जब हम स्टीम में हमारा हाथ दे देंगे तो हमको सीवियर बर्न्स होगा, लेकिन जब बॉइलिंग वाटर में हम अपना हाथ देंगे तो हमको इतना ज़्यादा बर्न्स नहीं होगा। इसका यही रीज़न है, क्या रीज़न है? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है बच्चे। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, देख लेते हैं एक बार। स्टीम प्रोड्यूसेस मोर सीवियर बर्न्स देन बॉइलिंग वाटर एट द सेम टेम्परेचर, सेम टेम्परेचर पर बॉइलिंग वाटर की कंपेयर में स्टीम से हमें सीवियर बर्न्स होता है। क्यों होता है, रीजन क्या है? हिडन हीट, हिडन हीट क्या है, जो कि मैंने आपको बताया लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन को ही हम हिडन हीट बोलते हैं। वाटर होल्ड अ हिडन हीट या हिडन रिजर्व ऑफ हीट कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, जो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है उसके पास में लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है, उसके पास में एक्स्ट्रा एनर्जी है। दिस इज द एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज वाटर फ्रॉम अ लिक्विड टू गैस, इस एक्स्ट्रा एनर्जी का यूज वाटर कहाँ कर रहा है? अपने आप को स्टीम या फिर गैस में कन्वर्ट करने के काम में ले रहा है, और इसीलिए जो वेपर है उसके पास में एक्स्ट्रा हीट एनर्जी होने की वजह से ही हमको सीवियर बर्न्स होता है, ठीक है, समझ में आ गया। तो हमको वेपर से सीवियर बर्न्स क्यों होता है बॉइलिंग वाटर की बजाय? क्योंकि वेपर के पास में एक्स्ट्रा हीट एनर्जी होती है, जिसको हम हिडन हीट बोलते हैं या फिर लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेम ए बी सी डी ई एंड एफ इन द फॉलोइंग डायग्राम शोइंग चेंज इन इट्स स्टेट। हमने चेंजिंग ऑफ स्टेट्स पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि अगर कोई मैटर सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो उसे क्या कहते हैं, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो उसे क्या कहते हैं, गैस से अगर सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है तो उसे क्या कहते हैं, सॉलिड से सीधे गैस में कन्वर्ट होता है तो क्या कहते हैं, ये सारे टॉपिक्स मैंने पढ़ाए हैं। अगर आपने वीडियोज देखे होंगे तो आप इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर पाओगे। तो देखिए क्या है क्वेश्चन, अगर कोई मैटर सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, ऑप्शन ए क्या है हमारे पास में कि जो सॉलिड है वह लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। अगर कोई चीज़ सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होती है तो उसको हम बोलते हैं मेल्टिंग या फिर फ्यूजन, तो उसको हम बोलते हैं मेल्टिंग
या फिर फ्यूजन, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं फ्यूजन, ठीक है। तो ए हमारा हो गया फ्यूजन, ए क्या है बच्चे, फ्यूजन, ए होगा फ्यूजन। बी क्या है, लिक्विड टू गैस, अगर कोई मैटर लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है तो उसको हम बोलते हैं वेपोराइजेशन, उसको हम बोलते हैं क्या, वेपोराइजेशन। तो बी हो जाएगा हमारा वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन, ठीक है, ये हो गया वेपोराइजेशन। सी क्या है, गैस टू लिक्विड, अगर कोई मैटर गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होता है, अगर कोई मैटर गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उसे हम बोलते हैं कंडेंसेशन, सी है हमारा कंडेंसेशन, कंडेंसेशन, ठीक है, सी हो गया कंडेंसेशन। सी के बाद में आएगा डी, अगर कोई लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो उसे बोलते हैं फ्रीजिंग, डी होगा हमारा फ्रीजिंग, डी हो गया फ्रीजिंग। डी के बाद है ई, ई क्या है हमारा, अगर कोई मैटर सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड से सीधे किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस में, तो मैंने आपको बताया था नेफ्थलीन बॉल का एग्जांपल दिया था, क्वेश्चंस में भी था, तो अगर कोई चीज़ सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन, ई है हमारा क्या बताइए, सब्लिमेशन, ई इज सब्लिमेशन। ई के बाद है एफ, अगर कोई सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड से गैस तो हो गया, अगर कोई मैटर गैस से सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा हो, गैस से सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा हो तो उसको हम बोलते हैं डिपोजिशन, उसको हम बोलते हैं क्या बच्चे, डिपोजिशन, उसे हम बोलते हैं डिपोजिशन, ठीक है। तो ए हो गया फ्यूजन, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना फ्यूजन या फिर मेल्टिंग। बी है हमारा लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना वेपोराइजेशन। सी है हमारा गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होना कंडेंसेशन। डी इज लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होना फ्रीजिंग। ई इज सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होना सब्लिमेशन, एंड गैस से सॉलिड में कन्वर्ट होना जिसको हम बोलते हैं डिपोजिशन, ठीक है। तो इसका मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया हुआ है जिससे कि आपको इजीली समझ में आ जाए। तो यहाँ पे ये मैंने इस तरह से बनाया हुआ है इस क्वेश्चन का आंसर, कि अगर सॉलिड से लिक्विड में है तो फ्यूजन, लिक्विड से सॉलिड में है तो फ्रीजिंग, लिक्विड से गैस में है वेपोराइजेशन, गैस से लिक्विड में कंडेंसेशन, सॉलिड से गैस में सब्लिमेशन, एंड गैस से सॉलिड में है तो डिपोजिशन। तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज होती है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे क्लास 9 साइंस का ही नेक्स्ट चैप्टर। तब तक के लिए बने रहिए द नॉलेज नुक्कड़ के साथ।